राजिम का युवक निकला पदयात्रा पर दिल्ली। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा फहराने के आह्वान को साकार करने राजिम का युवक दिल्ली निकला है पदयात्रा पर। नया पारा राजिम के रहने वाले कृष्ण कुमार सैनी रायपुर भारत माता चौक से दिल्ली तक पदयात्रा पर निकले हैं। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हर घर झंडा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत तिरंगे के साथ कृष्ण कुमार सैनी पदयात्रा पर निकले हैं। आपको बता दें कि इसके पूर्व सैनी ने 13 जून को लगातार 26 घंटे में 140 किलोमीटर की अपनी पदयात्रा को पूरी किया था, जिसके बाद उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने 10 दिन में 600 किलोमीटर की पदयात्रा रायपुर के चंदखुरी से माता कौशल्या मंदिर से जगन्नाथपुरी तक यात्रा की है। हर घर तिरंगा अभियान के भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के भारत माता चौक से हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। अपनी दिल्ली पदयात्रा के दौरान आज वे बेमतरा पहुंचे। सैनी ने बताया कि यह पदयात्रा कुल 16 दिनों की होगी, जो 21 अगस्त को दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को नमन कर उनकी पदयात्रा संपन्न होगी। वे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा होते हुए कुल 1150 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा सहित नगर के सामाजिक व भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक पुराना बस स्टैंड के घड़ी चौक से उनका स्वागत किया। पदयात्री कृष्ण कुमार से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के घर झंडा फहराने की मुहिम को साकार करने की शुभकामनाएं दी। स्वागत उपरांत वे आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। आज वे ग्राम अगरी में रात्रि विश्राम करेंगे, तत्पश्चात कल वो करवदा होते हुए चिल्फी के लिए रवाना होंगे। इससे पहले हाल ही में 2 महीने में मैंने 2 पदयात्राएं की हैं। एक राजिम महामाया से डोंगरगढ़ बम्बलेश्वरी तक की 140 किलोमीटर की पदयात्रा थी, जो मैंने 26 घंटे में नॉन स्टॉप पूरा किया था। और पिछले महीने मैंने 1 जुलाई से 11 जुलाई तक 10 दिन में भारत अपना माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी से जगन्नाथपुरी तक की 603 किलोमीटर की पदयात्रा 10 दिन में पूरी की थी। और अब ये लगभग 1150 किलोमीटर की पदयात्रा है, मैंने इसको 16 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और मुझे विश्वास है कि करोड़ों करोड़ लोगों का आशीर्वाद और उनका सहयोग मेरे साथ है, तो मैं निश्चित तौर पर इसको समय पर पूरा कर लूँगा।